क्या आपने कभी सोचा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मोबाइल फोन्स और गेम्स में क्या कॉमन है? उनके बिना हमारी दुनिया बिल्कुल अलग होती। पर क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के बिना दुनिया कैसे दिखेगी? सुकून भरा वातावरण से लेकर शास्त्र और परंपरा तक, जी ललचाने वाले खाने से लेकर अद्भुत कलाकारी तक, भारत के पास यह सब कुछ है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि दुनिया की आबादी का छठा भाग हटाने से दुनिया कैसे लगती? 130 करोड़ लोगों की आबादी के साथ भारत में दुनिया के 17% से भी अधिक लोग रहते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, साथ ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की आबादी न केवल बहुत ही विशाल है, साथ ही भिन्नताओं से भरी हुई है। विश्व में कोई भी देश भारत से ज़्यादा भिन्नताओं से भरा हुआ नहीं है। भारत सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक तीनों ही में भिन्नता से भरा हुआ है। क्या आप केक और कुकीज़ खाना पसंद करते हैं? तो फिर आपको भारत को डायबिटीज़ और कैविटीज़ के लिए भी धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि भारत ने 350 AD में ही शुगर का प्रोसेस और प्यूरीफाई करने के तरीके खोज लिए गए थे। और तभी से भारत में चीनी का प्रयोग काफ़ी भारी मात्रा में किया जाता है। एक औसत भारतीय एक साल में 20 KG चीनी का प्रयोग करता है। पर चीनी से भी ज़्यादा मीठी कोई चीज़ होती है तो वह हीरा है। भारत सबसे पहला देश था जिसने हीरे की खोज की और उसके लिए अलग से खदानों का स्थापन किया। भारतीय शहर काफ़ी बड़े और काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या वाले हैं, पर इनकी भीड़ तब बढ़ जाती है जब भारत में त्योहारों का मौसम चल रहा होता है। होली, नवरात्रि, ओणम, इन सभी त्योहारों को देखने के लिए विदेश से काफ़ी भारी मात्रा में लोग आते हैं। होली से प्रेरित होकर विदेशों में कलर रन नाम का एक लोकप्रिय खेल खेला जाता है। भारत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों का जनक है, हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख। इन सारे धर्मों का जन्म भारत में ही हुआ था, इसीलिए कहा भी जाता है कि भारत में ही धर्म का जन्म हुआ। क्या आपको पेंटियम कंप्यूटर याद है? 2009 तक विश्व के 90% कंप्यूटर्स में पेंटियम चिप यूज किया जाता था, जिसका आविष्कार भारत के एक आविष्कारक विनोद धैम द्वारा किया गया था। बिना वाईफाई के कोई भी लैपटॉप बेकार है। तो फिर आप जान लें कि वायरलेस कम्युनिकेशन के जनक भी भारतीय हैं। सर जगदीश चंद्र बोस ने वायरलेस कम्युनिकेशन, रेडियो एक्टिविटी और माइक्रोवेव रिसर्च पे बहुत ज़्यादा काम किया है, इसलिए उन्हें फादर ऑफ रेडियो साइंस का भी उपाधि दी गई है, जो कि उन्हें IEEE ने दिया है। जहाँ तक बात युद्ध की है, एक मिनट, युद्ध? भारत ने 10,000 वर्षों से ज़्यादा लंबे इतिहास में अपने किसी भी पड़ोसी देश पर घुसपैठ नहीं की है, लेकिन इसके बावजूद भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाला देश है। भारत का स्पेस प्रोग्राम दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे कारगर स्पेस प्रोग्राम है। मौसन राम गांव, जो कि मेघालय का खासी हिल्स पे स्थापित है, औपचारिक तौर पे दुनिया का सबसे ज़्यादा नमी वाला इलाका है, पर इससे वहाँ के रहने वाले लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती और वहाँ रहना पसंद करते हैं। भारत इतना अनोखा है कि यहाँ पर एक फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी है। ऐसे पानी के लिए उतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, जब वह हमारे घरों पर ही उपस्थित है। भारत में ही शैम्पू का आविष्कार हुआ था। शैम्पू शब्द संस्कृत का शब्द चंपू से आता है, जिसका मतलब होता है चंपी करना, पर यह हमेशा से केमिकल्स के साथ नहीं होता था। पहले इसे जड़ी बूटियों के साथ किया जाता था, पर आज इसे अलग अलग केमिकल्स के साथ बनाकर और भी अच्छा किया जा रहा है। खैर, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, इंटरटेनमेंट। इंडियन सिनेमा दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमा है। भारत के पास वर्ल्ड की लार्जेस्ट फिल्म सिटी है, जिसका नाम रामोजी फिल्म सिटी है, जो कि हैदराबाद में है। साथ ही भारतीय फिल्म इंडस्ट्री दुनिया में सबसे ज़्यादा मूवीज़ बनाती है। हाल ही में भारत में GST लागू की गई थी,
जो कि भारत सरकार का पहला कदम था भारत की $2 trillion वाली इकोनॉमी को सुधारने का। ऐसा करने से दोनों उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के कंधों से बहुत बड़ा वजन उठ गया। GST समय के साथ भारत की अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार लाएगी और भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने में मदद करेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत के बिना दुनिया का वजूद संभव है? क्योंकि आज भारत को दुनिया की जितनी ज़रूरत है, उतनी ही ज़रूरत दुनिया को भारत की है। कमेंट करके अपने विचार हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय।